दुनिया की मजबूरी है, गांधी बहुत जरूरी है। गांधी जी और अंबेडकर जी में तो गहरे मतभेद थे। वो सच में हिंदू धर्म को मानने वाला होगा, वो सच में मुस्लिम धर्म को मानने वाला होगा, तो वो सांप्रदायिक नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कुछ अराजक लोग गोडसे जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं, बिजली बेच दो, पानी बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, बैंक बेच दो, LIC बेच दो, BPCL बेच दो, पूरा हिंदुस्तान बेच दो। जो लोग संविधान और अहिंसा के खिलाफ है, वो एक गहरी साजिश के तहत इस तरह के विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रचार मीडिया, अखबार सबका इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं साहब, गांधी जी और अंबेडकर जी में तो गहरे मतभेद थे और इनको एक साथ बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, विचारों में भी एक साथ नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक साथ आते हैं तो लोगों की प्रतिबद्धता अहिंसा के प्रति भी मजबूत होती है और संविधान के प्रति भी मजबूत होती है, और जब अहिंसा और संविधान के प्रति हमारी आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी तो किसके लिए खतरा है, यह आप समझ सकते हैं। तो असल में लड़ाई वहां है, मैं ऐसा मानता हूं। और बहुत पहले रघु जी एक नारा देते थे कि दुनिया की मजबूरी है, गांधी बहुत जरूरी है। तो दुनिया की मजबूरी है तो भारत में जिनको राजनीति करनी है उनकी भी मजबूरी है, वो किसी विचारधारा से जुड़े हों, उनका गांधी से कोई लेना देना ना हो, वो जीवन भर गोडसे के पुजारी रहे हों। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान के आजादी के 75वें वर्षगांठ के आयोजन की भव्य शुरुआत जिस दिन की जा रही है, उसी दिन मध्य प्रदेश में कुछ अराजक लोग गोडसे जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं। यह है असलियत जिसको हमें समझने की जरूरत है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। तो आज खतरा इस देश को उन लोगों से ज्यादा है जो इन विचारों को कुचलना चाहते हैं, इन विचारों को मारना चाहते हैं, और हमारे संविधान और हमारी अहिंसा के लिए खतरा बन चुके हैं। गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी करते थे, वो राम राज्य की कल्पना भी करते थे, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं थे। धार्मिक थे लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति धार्मिक होगा वो सच में हिंदू धर्म को मानने वाला होगा, वो सच में मुस्लिम धर्म को मानने वाला होगा, तो वो सांप्रदायिक नहीं होगा। जो धार्मिक नहीं होगा वो सांप्रदायिक, जिनका धर्म में वास्तव से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सांप्रदायिकता उनके दिमाग में पनपती है और वो उस सांप्रदायिकता के हथियार का इस्तेमाल करके समाज को बांटते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है। स्वदेशी का जिक्र अभी हमारे वक्ता कर रहे थे, आज कहां बची है स्वदेशी की अवधारणा गांधी जी की। हर सेक्टर को उठा के आप देख लीजिए, इसमें विदेशी निवेश, उसमें विदेशी निवेश, इसमें विदेशी निवेश, उसमें विदेशी निवेश। भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो कल्पना थी कि बड़े उद्योग रोजगार को खत्म करेंगे और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग रोजगार को जन्म देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, स्टोर है उसके बड़े बड़े दुनिया के तमाम देशों में, और उसका सालाना टर्नओवर है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। ये आज के 3-4 साल पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, अब कितना हो गया होगा मुझे नहीं मालूम,
20 लाख करोड़ रुपए, और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग रिटेल के कारोबार में हैं उनका जो सालाना टर्नओवर है वो है 10 लाख करोड़ रुपए। एक कंपनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी वॉलमार्ट कंपनी, जो अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, पूरी दुनिया में है, उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख करोड़ है, लेकिन वो रोजगार देती है मात्र 15 लाख लोगों को, और 10 लाख करोड़ के टर्नओवर का रिटेलर हिंदुस्तान में वो देता है रोजगार 4 करोड़ लोगों को। इसलिए छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा व्यापार हिंदुस्तान की जिंदगी को, हिंदुस्तान के जीवन को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उपयोगी है। लेकिन अब हो क्या रहा है, आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, रेल बेच दो, सेल बेच दो, स्टेडियम बेच दो, खेल बेच दो, कोल बेच दो, सड़क बेच दो, बिजली बेच दो, पानी बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, पोर्ट बेच दो, बैंक बेच दो, LIC बेच दो, BPCL बेच दो, पूरा हिंदुस्तान बेच दो, सब कुछ बेच दो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।